सिविल सोसाइटी के बारे में बात शुरू करते हैं क्विकली, और इसके बारे में पहले इसके डेफिनेशन जानते हैं और वेरियस लोगों के व्यू पॉइंट्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने GS2 में भी ऑफन पूछा जाता है, तो इसमें आपने प्लीज़ ने नोट करना है इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स। जैसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे सिविल सोसाइटी का मतलब वो जहाँ पे कम्युनिटी ऑफ सिटीजन, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएं और देन वो अपनी बात इकट्ठे होकर सरकार के आगे या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने प्रेजेंट करें, तो सिविल सोसाइटी बन जाती है। एंड तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट मैनिफेस्ट या फिर क्या रिफ्लेक्ट करती है, विल एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द सिटीजन्स, कि सिटीजन्स इकट्ठे होकर, देखो पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंथनी गिडेंस का आगे जाकर देखेंगे, एंथनी गिडेंस बोलते हैं जो भी कोई चीज सरकार नहीं है या फिर प्राइवेट बिजनेस नहीं है, जो बिजनेस नहीं है या सरकार नहीं है वो क्या है, सिविल सोसाइटी। गिडेंस की डेफिनेशन बहुत सिंपलिस्टिक सी है, आप ऐसे इसको दिमाग में ऐसे इमेजिन भी कर सकते हैं कि जहां पर इसको क्या माना गया, थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी आफ्टर गवर्नमेंट एंड बिजनेस, और ये स्टेट की पावर को रोकता भी है। जैसे लेट्स से निर्भया हुआ, जो निर्भया के बाद लोग सड़कों पर आए और सरकार से कुछ बोला लॉ बदलो, तो क्या था, वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट थी, इसीलिए डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट बनाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को आपने इलेक्ट कर दिया, अपना सरकार काम करते रहेगी, जो रिपीटेड जनता फीडबैक दे रही है वो किसके थ्रू दे रही है, सिविल सोसाइटी के थ्रू ही दे रही है, इकट्ठे हो जाते हैं जब सब। ओके, यहाँ पर जो GS मिल एंड एलेक्सिस डी टॉकविल का आइडिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हीगल टॉकविल मिल थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं सिविल सोसाइटी के रिगार्डिंग। ये बोलते हैं कि सोशल एसोसिएशन की तरह कंपेयर करते हैं सिविल सोसाइटी को, एंड ये कहते हैं ये लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी पर ही बेस्ड है, हमारे राइट्स हैं, सिविल सोसाइटी बनाना, हमारी प्राइवेट एसोसिएशंस बनाना हमारा हक है। उसके बाद यहाँ पर अब हीगल का आइडिया भी देख लेते हैं। हीगल सेज कि सिविल सोसाइटी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट के नीचे रखता है, जो क्योंकि हेगल के लिए स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो इतना बोल देता है हेगल कि स्टेट इज गॉड्स मार्च ऑन अर्थ, कि भगवान साक्षात जमीन पर आ गए, किसमें, स्टेट के रूप में, तो इसलिए सिविल सोसाइटी को थोड़ा उससे नीचे मानता है। लेकिन ये देखो, अगर आपको हेगल इमेजिन करना है, वो बोलता है स्टेट एंड देन एक है इंडिविजुअल कह रहे हैं, बहुत ही एटोमिस्टिक है, बहुत छोटा सा है, स्टेट बहुत ह्यूज है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इन दोनों के बीच का जो मीडिएटिंग जो काम करा रहा है, कौन करा रहा है, सिविल सोसाइटी करवा रही है, ठीक है, दोनों को मीडिएट, एटोमिस्टिक इंडिविजुअल को बचाती है स्टेट के प्रहार से, कि स्टेट उसको बिल्कुल कुचल ना दे, एंड स्टेट को कि स्टेट चाहती देख, अगर उसको बताना है कि इंडिविजुअल चाहता क्या है, तो वो कौन बता रहा है, सिविल सोसाइटी, तो ये कुछ ऐसा मानता है अपना। एंड देन अपने पास एक इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या है, ग्राम्सी का। ग्राम्सी सेज कि सिविल सोसाइटी कुछ नहीं है, बस डोमिनेंट आइडियोलॉजी, जो भी कोई आइडियोलॉजी जो रूलिंग क्लास की चल रही है, अमीरों की चल रही है, जो भी है, तो वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ जनता तक पहुँचाने का जरिया है, कि ये है स्टेट, अपनी जो स्टेट से इंडिविजुअल तक बात कैसे पहुंचेगी, वो कह रहे हैं थ्रू सिविल सोसाइटी। तो ग्राम से थोड़ा नेगेटिव व्यू रखता है सिविल सोसाइटी का, और कि सिर्फ सरकार की बातें जनता को मनवा रही है सिविल सोसाइटी। ओके, उसके बाद देन पार्था चैटर्जी एंड सुदीप्तो कविराज, ये दो लोग हैं, और ये बोलते हैं कि इंडियन सिविल सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट है वेस्टर्न सिविल सोसाइटी से। बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं ये, क्योंकि कह रहे हैं कि वेस्ट में स्टेट बहुत पावरफुल है, इंडिया में स्टेट इतनी पावरफुल नहीं है, अभी आपके घरों में नहीं झांक सकती एंड आपके सड़कों पर कैमरा नहीं लगे हुए एट्सेट्रा, तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया में, क्योंकि सिंस हमारी स्टेट इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें इतनी स्ट्रांग सिविल सोसाइटी की भी हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं फील होती, तो क्योंकि वेस्ट में बोलते हैं बहुत स्ट्रांग स्टेट है, तो बहुत स्ट्रांग हमें सिविल सोसाइटी भी चाहिए, इसलिए कहते दोनों को हमें अलग अलग तरह से पढ़ना चाहिए, इंडियन एंड वेस्टर्न सिविल सोसाइटीज को। आगे एंथनी गिडेंस की मैंने बात पहले भी की थी, एंथनी गिडेंस जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स अलाइव, ये बोलते हैं जो भी कोई चीज मार्केट या गवर्नमेंट के बियॉन्ड है वो क्या है, सिविल सोसाइटी। हमने पहले भी अपनी डेफिनेशन देखी है इस पे, और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एंड मार्केट सारे काम पूरे नहीं कर सकती, सिविल सोसाइटी को साथ लेकर चलना चाहिए एंड सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो सभी इकट्ठे तरक्की कर सकते हैं। एंड देन आगे वॉलेंटरी ग्रुप्स एट्सेट्रा, कहते कई सिविल सोसाइटी के ऐसे चीजें भी होते हैं जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीख करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जनरली सिविल सोसाइटी तो कॉन्डुएट है, सिर्फ और सिर्फ सरकार तक बात पहुंचाने का जरिया है इंडिविजुअल का, ठीक है, इसलिए रिफॉर्मिस्ट एलिमेंट है। अब एक जैन एल्ट शॉल्ट का आइडिया देख लो, ये बहुत सारे आइडियाज हैं यहाँ पर कि किस तरह से सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी में हेल्प करती है। ये वाला आपको पेपर में सवाल 2016 में पूछा गया,
कि सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी को कैसे एनहांस करती है। आप रिपीटेडली एक ही बात लिखते रहते हो कि सरकार तक बात पहुंचा रही है, बात पहुंचा रही है। आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं एंड मैं थोड़ा सा अटेम्प्ट कर रहा हूं कि आपको पॉइंट्स बताने की, आपके पास जो पॉइंट्स होंगे उनमें ऐड कर लेना। सबसे पहला तो वो कह रहा है कि पब्लिक एजुकेशन एक्टिविटीज़ कि जनता को बताना, अवेयरनेस कि भाई आपके पास क्या क्या हक हैं, आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, तभी जनता डिमांड कर पाएगी। कहते कौन करता है? समाज, सिविल सोसाइटी करती है। देन गिविंग वॉइस टू स्टेक होल्डर्स, जो ऐसे कहते बहुत सारे, जैसे सिंगूर फार्मर केस है हमारे पास, सिंगूर के जो फार्मर्स थे उनके पास एज सच तो देखें तो बड़े ही गरीब हैं, सरकार से तो कभी भिड़ नहीं सकते, लेकिन सिविल सोसाइटी ने उनको आवाज़ दी एंड सिंगूर एक मेजर केस बनकर आया। टाटा नैनो को अपना प्लांट भी बदलना पड़ा, वहाँ से गुजरात ले जाना पड़ा, और क्योंकि ज़मीन ऐसा था कि ज़बरदस्ती हड़प ली गई थी। देन उसके बाद डिबेट्स को फ्यूल करती है, डिबेट्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे सरकार के सामने प्रेजेंट किए गए हैं, सिविल सोसाइटी ने किए हैं। देन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि जनता बनाए रखती है दबाव, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, सिविल जो सोसाइटी है वो सरकार पर दबाव बनाती है कि हमारे हमको बताओ कि आपने काम कैसे किया या कैसे नहीं किया, पूरा क्यों नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, लेजिटिमेसी, कि कंटिन्यूसली सरकार जवाबदेही बनाए रखती है, कंटिन्यूसली सरकार ट्रांसपेरेंसी बनाए रखती है, तो उसके कारण सरकार लेजिटिमेट नज़र आती है। ओके, तो ये सिविल सोसाइटी के बारे में थोड़ी बेसिक सी बातें थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉशन भी है वो जैन आल्टशुलर का। देखो जैन आल्टशुलर का आपने नाम लिखकर आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो क्योंकि काफ़ी अथॉरिटी है ये। देन उसके आगे कॉशन, मतलब कि सिविल सोसाइटी कैन परसू एंटी डेमोक्रेटिक गोल्स, कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए तोड़फोड़ करे, हो सकता है कि पूरे जान माल का नुकसान हो जाए, ब्रॉडर कम्युनिटी का, लार्जर कम्युनिटी का। उसके बाद एंटी डेमोक्रेटिक गोल्स हो सकते हैं, एंटी डेमोक्रेटिक मीन्स भी हो सकते हैं तोड़फोड़ करके, एंड एंटी डेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जैन आल्टशुलर का आपको ये कॉशन है। ओके, ठीक है, तो कहते लेकिन ये इनफ नहीं है, ये रिस्क के आपको, अगर आपको लगता है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक गोल मींस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कारण सिविल सोसाइटी को बैन कर दिया जाए, कहते नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, तो हमें इसीलिए उसको थोड़ी छूट तो देनी चाहिए। एंड आपको ये GS2 में सवाल आता है कि कैसे किसी NGO की क्वालिटी को जज किया जाए, कैसे NGO की क्वालिटी जज किया जाए। बहुत सिंपल सा है, बहुत आराम से 6 तरह से हमको तरीके बताए। तो पहला क्या है कि कितना जनता पार्टिसिपेट करती है उस NGO में, अगर नहीं करती मतलब NGO में शायद कुछ धांधली हो रही है, NGO अपना काम ही नहीं कर पा रही और NGO जनता के लिए बनाई गई, जनता तक पहुंच नहीं पा रही, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड देन इंस्टीट्यूशनल, कि इन्वायरमेंटल या फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है कि चलती रहेगी या फिर सिर्फ 5 साल के लिए आई है उसके बाद NGO गई। अकाउंटेबिलिटी कि उसकी बुक्स ओपन है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं गए, कहाँ से नहीं आया, एंड उसके बाद कि जो काम हुआ अचीव या नहीं हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके लिए अकाउंटेबल है या फिर बस अपना ही काम चल रहा है और किसी को कोई जवाबदेही नहीं है। टेक्निकल एक्सीलेंस कि क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है या आर्केइक मेथड यूज़ करते हैं अभी भी और जनता तक नहीं पहुंच पा रहे इफेक्टिवली। थोड़ा सा ये इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट ही है यहाँ पर, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आजकल इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि ई गवर्नेंस की बात हो रही है सरकार में, ई गवर्नेंस तो NGOs क्यों ना अपने आप को अपडेट करें। एंड देन इक्विटी का कंसर्न, इक्विटी मतलब ऐसा ना हो कि डिप्राइव्ड या वीमेन को छोड़ के अपना ही एजेंडा फॉरवर्ड कर रहे हो NGO वाले कि अपने को फ़ायदा मिल जाए। तो ये 6 पैरामीटर्स हमेशा याद रखना NGO की क्वालिटी जज करने के बड़े सिंपल तरीके हैं। क्विक रिवीजन देखें यहाँ पे हमारे पास, कि सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन देखी पहले आपने, एंड देन आपने JS मिल टॉकविल का आइडिया, हीगल का आइडिया, ग्रामसी नेगेटिव आइडिया कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं, पार्था चैटर्जी कविराज बताते हैं कि वेस्टर्न इंडियन अलग अलग हैं, गिडन्स बोलते हैं मार्केट एंड गवर्नमेंट के सिवा जो भी है वो सिविल सोसाइटी है, एंड वॉलंटरी ग्रुप्स वगैरह सब कुछ इसमें शामिल हैं। कई बार आगे लिखते हैं कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा उपद्रव भी मचाया जाए। एंड जैन आल्टशुलर हमें बताते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी में हेल्प करता है अपना ये सिविल सोसाइटीज। एंड देन कॉशन भी है, एंटी डेमोक्रेटिक गोल्स मींस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। लास्टली सिविल सोसाइटी का एक पार्ट है NGO की क्वालिटी जज करने का हमें एक पैमाना भी दिया गया। ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी, छोटा सा वीडियो है अगले उसमें कवर करते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी।